अमित भाई आचार्य प्रवर भगवत मंत्रोद्देशों में ग्रंथ युक्तानुशासन जी में 52वें श्लोक में यह समझा रहे हैं जो है बोले महाराज बाहर सोने की चिड़िया है पर यहां पर इतने भी गरीब लोग रहते हैं जिनके शरीर पर धागा ही नहीं है। तुम जाओ बुला के ला, हम उनका सहयोग करेंगे। वह है बोले महाराज न कोई सागर से मतलब जो हो रहा है ज्ञा एक भाव से देखो तो आपको हाँ तो आप स्वस्थ हो जाओ। अब तुमको यही चिंता लगी रहती है अब गुरुजी के साथ चलना हमको आइए अब यही चिंता बेचारा 3 बजे आने लगे तो दिन भर अब समय पे पहुंच नहीं रहे क्लास में। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं साम में भाव का आश्रय लेना चाहिए। प्रमुच्यते च प्रपच्य दोषी जिना तुदीय पट सिंह ना दई एक स्नाना त्याग व्रते तबंध मोक्षो समताद बाह्यो। बंद मोक्षो जहाँ बंध का अभाव हो जाएगा मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा, जहाँ मोक्ष का अभाव हो जाएगा वहाँ बंध का भी अभाव होगा। इसलिए वस्तु को आपको नाना रूप देखना चाहिए। बिना बंध के मोक्ष नहीं होता और जो बंध ही नहीं मानना चाहते हैं एकांतिक जिनका मिथ्या छाया है तत्व निर्णय अंदर का विषय है परंतु जो वस्तु व्यवस्था उसे भी देखना चाहिए। जैसे कि हमने आपसे पूछा आपका नाम क्या है किसका नाम कौन नाम ये पागलपन नहीं है मैं व्यवहार से पूछ रहा हूँ व्यवहार से आप बात कीजिए ठीक है। जब तुम बोल रहे कौन नाम किसका नाम ये बोल भी क्यों रहे हो जो तुम कहना चाह रहे हो तो वो तो बोलते ही नहीं है जो तुम कहना चाह रहे हो वो तो बोलते ही नहीं है। ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ मेरा नाम वगैरह नहीं है तो बोल क्यों रहे शुद्धात्मा बोलती क्या। इसलिए हमारे पास कोई ढोंग नहीं चलते। तुम कह रहे हो शुद्धात्मा है हम हमारा कोई नाम नहीं है। अरे शुद्धात्मा तो ये भी नहीं कहती कि मैं शुद्धात्मा हूँ। ये तुम शुद्धात्मा कह रहे हो इतने प्रपंच शब्द जाल फैला रहे हो सीधा बोल दो मेरे वर्तमान निसंग सागर जी है हमारे गुरु शुद्ध सागर जी हैं उन्होंने हमको दीक्षा दी हमने शिखर जी में दीक्षा ली है और साधना में लगे हुए हैं शुद्धात्म की साधना की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये व्यवहार कथन है ठीक है। तो किसका बंध कौन सा बंध क्या प्रकृति क्या स्थिति
क्या अनुभाग, ये सब प्रभाव है। हाँ प्रभाव हम मानते हैं, लेकिन प्रभाव का अभाव है क्या? प्रभाव का अभाव है क्या? प्रभाव का सद्भाव है, इसलिए तुम प्रभाव का अभाव करने के लिए आए हो। मुनि बने क्यों? प्रभाव का अभाव करने के लिए आए। तो ये भी स्वीकार करो। तो तव बंद मुक्त हो सुमत बाह्य हो, जो आपके मत के बाह्य है ना, उनके ना बंद होता है ना मोक्ष होता है। जहाँ बंद होगा वहीं मोक्ष होगा। क्यों? प्रमुच्यते हे प्रभु जिना तुदीयम, हे जनदेव आपका जो तत्व निर्णय स्याद अनेकांत कैसा है, पट सिंह नादी, जैसे शेर नाद करता है ऐसे आपका स्यादवा शासन सिंह नाद करने वाला है। आपके सद्भाव से प्रमुच्यते, आपके सद्भाव से क्या होता है, आपके सिंहनाद से शेर जैसे गर्जना करे तो जंगल के मृग भाग जाते इधर उधर, ठीक है ना, तो जंगल के मृग छुपने लगते हैं। ऐसे ही है प्रभु आपका सिंहनाद जब होता है तो प्रमुच्यते प्रतिपक्ष दूषी, जो प्रतिपक्ष है जिसका चित्त दूषित है वे अपने आप भाग जाते हैं। ऐसा वर्धमान का शासन। एकस्य नानत न ज्ञवृत्ते, ज्ञवृत्ते ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, तो जो आत्मा की जो वृत्ति है, स्यात् आत्मा चेतनात्मा स्यात् प्रत्येक पदार्थ, सबकी अपनी अपनी आत्मा है। तो वो कैसे है, एकस्य नानत्या, एक रूप है नाना रूप है, वस्तु एक रूप है नाना रूप है, एक ही समय में एक रूप है एक ही समय में नाना रूप है। बोलो महात्मा संकेत सागरी, एक समय में आप नानत्व रूप हो, एक समय आप एकत्व भूत हैं, परंतु उभय एकांत नहीं है, उभय एकांत नहीं है, वह साथ है। इस प्रकार से इस कलश में श्लोक में कारिका में यही समझाया है, जो पदार्थ हैं अनेकांत भी अनेकांत में, जो राग देश सर्वतम मन को सम कैसे रह सकते हैं। अब चलिए, जो आप ऐसा कहो कि जब हम संसार में तो राग देश अभाव हो ही नहीं सकता है, तो क्या मोक्ष में अभाव करने जाओगे राग देश का? एक प्रश्न है, क्या मोक्ष में राग देश का अभाव करने जाओगे? और मोक्ष हो गया राग देश की सत्ता में, तो फिर राग देश अभाव करने की आवश्यकता क्या? कोई अज्ञ प्राणी कहता है अरे ये सबका नाश तो मोक्ष में ही होगा, सिद्ध भगवान ही कर सकते हैं। अरे पागल, जब सिद्ध भगवान का नाश कर सकते हैं तो मतलब इन सहित पहले सिद्ध बन जाएंगे फिर नाश करते रहेंगे? कैसे अनुमत जीव है? अरे राग देश की सत्ता में ही साम लाएंगे, उस साम के बल पर जो अवशेष राग देश उसका भी क्षय करेंगे और उसके माध्यम से भगवान बनेंगे, ऐसा ऐसा आगम का अर्थ समझिए। कई बार हम सुनते ना, बोले हमने प्रवचन किया, अरे गुरुजी क्या ऐसा हो सकता क्या है? पंचम काल में हो गया इनका तो काम, राग देश सभी कालों में होता था। और ठीक है, अब प्रश्न ये, कोई जीव ये सोचे हम पूर्ण शुद्ध विशुद्ध हो जाएंगे फिर मोक्ष मार्ग में चलेंगे। अरे शुद्ध विशुद्ध हो जाओ फिर मोक्ष मार्ग क्यों चलोगे? मुच्छी हो जाएगा तुम्हारा तो। इसलिए सुनो मयंक, अब गुरु जी की कृपा सब हो जाएगा, ठीक है बहुमान देना अच्छी बात है, लेकिन पुरुषार्थ तो अपन को ही करना पड़ेगा। अब मैंने कहा पढ़ो, तो क्या बोलता है भाई पीयूष छोटा, अब आपका आशीर्वाद रहा सफाई हो जाएगी, पुस्तक खोलना मत एक दिन भी, बोले पढ़ाई हो जाएगी बच्चा की पूरी। गुरु पर विश्वास तो होना चाहिए लेकिन पुरुषार्थ भी होना चाहिए। अब लगता तुम्हारा पुण्य जगने वाला है कि रवि का वो होने वाला है, क्योंकि एक समय तक कोई काम करता अधिकारी का ट्रांसफर होना चाहिए।